नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप तक के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर बात करना भी अति जरूरी है। दोस्तों, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई को लेकर के उनके फैंस सीबीआई की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिल्मी जगत और सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई से नेपोटिज्म कर रहे हैं। ये कैसे है आज के स्टूडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, कल के डेट में 24 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत की सबसे अंतिम और आखिरी पिक्चर रिलीज होती है दिल बेचारा, और इस दिल बेचारा पिक्चर की जो ट्रेलर है वो 4 जुलाई को रिलीज हुई थी, और 4 जुलाई के बाद सबसे अधिक देखे जाने वाला ट्रेलरों में दिल बेचारा पिक्चर शामिल है। ये जानकर आपको बड़ी हैरत होगी। आपने कभी ये सोचा होगा कि दिल बेचारा मूवी मार्च में जो रिलीज होने वाली थी वो आज ही क्यों हो रही है, इस वक्त में ही क्यों हो रही है? आज के स्टूडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिसको आपको जानने के बाद ये लग सकता है कि सीबीआई जांच तो क्या दूर, महाराष्ट्र की पुलिस भी इस केस की पूरी तरह से जांच भी नहीं करेगी। तो आज के स्टूडियो में आप बने रहिएगा। आज के स्टूडियो में आपको बातें बुरी भी लग सकती है लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कल के डेट में 24 जुलाई को अगर आपने दिल बेचारा मूवी देखी है ट्रेलर के साथ, मैंने तो ये पिक्चर नहीं देखी है, ये ट्रेलर मैंने आपको इनिशियल पॉइंट में डाला था। ये अगर आपने ट्रेलर केवल देखा है तो ठीक है, अगर आपने पिक्चर भी देखी है तो आपने केवल सुशांत सिंह राजपूत की केवल पिक्चर को ही नहीं देखा है, आपने फिल्मी दुनिया के उन डायरेक्टर्स द्वारा पिक्चर बनाई गई जो सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा थी, आपने इस पिक्चर को बनाया था मुकेश छाबड़ा ने। ये वो डायरेक्टर है जो फिल्मी दुनिया के जगत से आता है, फिल्मी जगत का वही डायरेक्टर है जिसने मानसिक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई लोगों का मॉब लिंचिंग किया है इन डायरेक्टरों ने। मेरा केवल एक डायरेक्टर से वाकिफ नहीं है, मैं हर एक फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर्स की बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। आप केवल एक ही डायरेक्टर का बायकॉट नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो फिल्मी दुनिया के हर एक उस डायरेक्टर के बायकॉट करना पड़ेगा जो फिल्मी दुनिया में किसी गरीब तबके आदमी को बायकॉट करता है और फिल्मी दुनिया में जाने से रोकता है। लेकिन आपको कुछ लगता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की ये तो आखिरी पिक्चर थी, हम क्यों ना देखें, लेकिन आपने सुशांत सिंह राजपूत को ही नहीं देखा है। अगर आपको पिक्चर देखनी थी, सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जो सुपर हिटेड हैं, ये मूवी नींव का पत्थर बन सकती थी, जो फिल्मी दुनिया है उसके लिए सबसे बड़ा बायकॉट पिक्चर बन सकती थी। इतिहास में लिखा जाना था कि ये पिक्चर के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने ये ठान लिया कि इस हम सुशांत सिंह राजपूत के पिक्चर को नहीं देखे तो आपकी पिक्चर को हम कैसे देख सकते थे। ये पिक्चर नींव की पत्थर बन सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैन हैं वो सीबीआई की एक तरफ मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को जिस डायरेक्टर ने बनाया, जो उस फिल्मी दुनिया से जगत से आता है और जिस जगत के लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को इतना मेंटली टॉर्चर किया, मेंटली मॉब लिंचिंग करी, उसकी पिक्चर देखा इन लोगों ने। मैं बोलता हूं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की अगर पिक्चर देखनी है आपको तो सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत सुपर और ब्लड बस्टर पिक्चर दी हुई है, उसमें से आप देख सकते हैं राबता है, छिछोरे है, केदारनाथ, एमएस धोनी, काइकोचे, सोन चिड़िया और पीके, ये ऐसे पीके हैं जो फिल्मी दुनिया में बहुत ज़्यादा चमकी थी और सुशांत सिंह राजपूत को फिल्मी दुनिया में एक नया चेहरा भी प्रदान की थी। लेकिन आप इस पिक्चर को नहीं देखेंगे, आप दोहरी राजनीति करते हैं और इसे कहते हैं नेपोटिज्म। आप एक तरफ दिखावा करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूसरी तरफ उस पिक्चर को आप देखते हैं जिस पिक्चर को उस फिल्मी जगत के डायरेक्टर ने बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देता हूं कि आखिर ये सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। मुकेश छाबड़ा एक डायरेक्टर है, उसकी पिक्चर आती है सभी लोग देखते हैं, ऐसे वक्त में ये पिक्चर आती है जब ये मार्च में आने वाली थी, लेकिन इस वक्त ही क्यों लाई गई आपको पता होगा, क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत की भावनाओं को लेकर उनसे उनके फैंस का बहुत ज्यादा लगाव है, तभी तो उनका 4 जुलाई अगर ट्रेलर पिक्चर दिल बेचारा की अगर रिलीज होती है तो उनका ट्रेलर अब तक के सबसे ज्यादा पिक्चरों में ट्रेलर देखे जाने वाले सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है उस ट्रेलर का, दिल बेचारा ट्रेलर की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं कुछ ऐसे पक्ष रखना चाहता हूं, मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि सीबीआई जांच तो दूर, मुंबई की पुलिस भी अच्छी तरह से उसकी छानबीन नहीं करेगी। सबसे पहला मैं पक्ष रखना चाहूंगा ऐसे तबका जो फिल्मी दुनिया से बहुत कम आता है, वो जाना माना फिल्मी दुनिया में जगत है लेकिन बहुत ही ऐसे पिछड़े वर्ग से गए हैं, बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, उन लोगों के सीबीआई जांच की मांग किसने की? एक आम लोगों की बात करते हैं जो फिल्मी दुनिया में एक आम तरीके से गया हुआ था। कंगना रनौत एक पहली एक्ट्रेस निकली जो सीबीआई जांच को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में आकर बोली और फिल्मी दुनिया के जितने भी सितारे हैं उनके विपक्ष में आकर बोली। कंगना रनौत ले लें, रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, एक महीने बाद ही उन्होंने बोला, लेकिन बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने खत लिखकर बोला
कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका हूं और मैं चाहती हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच हो, ये उन्होंने बोला। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट्रेस ने बोला हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, रूपा गांगुली, सुब्रमण्यम स्वामी जाने माने अभिनेता, इन्होंने बोला है। तरुण खन्ना, पप्पू यादव बिहार के जाने माने नेता, करणी सेन, रूपा गांगुली और बहुत सारे ऐसे तमाम जो लोग जो फिल्मी दुनिया से नहीं जुड़े हैं, थोड़े मोटे जुड़े हैं, लेकिन वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये एक तबका है जो सीबीआई जांच की मांग करता है और ये वो तबका है जो सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा लगाव नहीं था लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की मांग करता है। अब मैं दूसरे तबके की बात करता हूं जो फिल्मी दुनिया से ही आता है, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उठना बैठना और फिल्मी दुनिया से बहुत सारे ऐसे जुड़ाव रखता था जिसको सीबीआई जांच की मांग करनी थी। अगर वो तबका अगर आज सीबीआई जांच की मांग पे अड़ जाए तो ये मुमकिन नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को नकार सकें, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, सीबीआई जांच करानी पड़ सकती है। दूसरी बात, दूसरा तबका मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने एक भी सेलिब्रिटी, जो फेमस सेलिब्रिटी है, आप फेमस सेलिब्रिटी खान, जो तीनों खान है, एक भी बंदा अगर नहीं बोला कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि ये नेपोटिज्म केवल उन लोगों के कारण था और इसलिए उन्होंने एक भी बात नहीं बोली है। सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान ले ले, अजय देवगन ले ले, अक्षय कुमार ले ले, किसी भी बात को ले ले, तो इन लोगों ने एक बार भी बात नहीं बोला है सीबीआई जांच की। तो आप ये समझिए कितना फर्क है। एक तरफ वो जनता बोलती है जो सुशांत सिंह राजपूत को अच्छी तरह से जानती नहीं है, एक बिहार के सपूत के रूप में जानती है और बहुत स्ट्रगल किया और फिल्मी दुनिया में गया उस तौर पे जानती है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और एक तबका वो है जो फिल्मी दुनिया में उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है, जाने माने लोग जानते हैं, उसी ग्रुप से जुड़े हुए, उसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, वो सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा मैं पॉइंट रखना चाहूंगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का क्या कहना है इसको देखते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का क्या कहना है, जब उनसे यह कहा गया कि हम सीबीआई की जांच मांग करते हैं तो उन्होंने क्या कहा, साफ तरीके से नकार दिया और वे कह के नकार रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस को जांच करने के लिए योग्य है, वो योग्य है, वो कर सकती है। लेकिन अभी तक क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 14 जून को हुई थी और आज अभी 1.5 महीने पूरे होने जा रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने एक ऐसा पुख्ता सबूत भी नहीं लाया है जिसे ये साबित कर सके सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी थी। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, बांद्रा के बाद जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था उनमें ये इशारा करती है, आप बात समझिएगा कि इशारा करना और होने में बहुत ज्यादा फर्क है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरीके से इशारा करती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करा था, लेकिन आत्महत्या की थी ये पूरी तरह से अभी तक बिल्कुल संतुष्ट, अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरत होगी कि हमारे मीडिया समाचार पत्र और हमारा जो गूगल साइट है उस पर सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु का कारण आप जब देखेंगे तो उसमें आत्महत्या लिखा हुआ है, ये नेपोटिज्म है। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि अनिल देशमुख जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत की केस की जांच की जाए क्योंकि इसमें बहुत उलट फेर है और बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जाएंगे और इसलिए इस केस को दबाया जा रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस पिक्चर को रिलीज करने का भी कारण यही था कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं, अगर अभी आक्रोश जितना बड़ा है सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर देखने के बाद, वो आग और वो ललक सीबीआई जांच की वो बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी और धीरे धीरे ये मामला खत्म हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार पालघर की घटना में हुआ था, 3 साधुओं को मारा गया था और आज वो मीडिया समाचार पत्र में वो खबरें नहीं आती हैं, वो दब गई हैं, ठीक उसी तरह से ये मामला भी दब जाएगा और होगा ये भी। हाँ, दूसरी मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है वो कारण जब आप गूगल में जाकर देखेंगे तो आप बगल में देख सकते हैं कि जब गूगल में आप चेक करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे हुई तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का जो कारण लिखा हुआ आत्महत्या लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, एक तरफ सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच मांग करे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई या फिर आत्महत्या हुई। अब आप ये खुद सोचिए कि जब आप पहले ही कंफर्म नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई या फिर आत्महत्या हुई तो आखिर गूगल में और समाचार पत्र और मीडिया आखिर ये आत्महत्या का नाम कैसे दे रहे हैं। फिर सीबीआई जांच होने की मांग भी गलत है, आप मांग मत मानिए, या तो ये कह लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी, आप ये मान सकते हैं, या फिर इस बात का विरोध करिए कि गूगल पे जो साइट्स आ रहे हैं और उसके विकिपीडिया पे उनका इंफॉर्मेशन डाला जा रहा है वो आत्महत्या किस बेस पे डाला जा रहा है, जबकि अभी सीबीआई जांच भी नहीं हुई है, महाराष्ट्र की पुलिस सरकार अभी ये पुख्ता सबूत भी नहीं ढूंढ पाई है कि इस बेस पे कह सके सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है। ये सारे ऐसे सबूत हैं जो आपको ये जानने पे मजबूर कर देंगे कि सीबीआई जांच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती
और ये पिक्चर रिलीज होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि जितने लोगों ने इस पिक्चर को देखा है, ये सुशांत सिंह राजपूत के पिक्चर को ही नहीं देखा है बल्कि उस डायरेक्टर को भी देखा है जो उस फिल्मी दुनिया से आता था और इस पिक्चर को बनाया है। ये वही डायरेक्टर है जिस समुदाय से लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली टॉर्चर किया था और मेंटली मॉब लिंचिंग किया था। तो आपके आपकी राय है, आपको पिक्चर देखनी है या आपको यह करना है कि सीबीआई जांच करानी है, तो आप इस बात पे अड़े रहते तो हो सकता था कि आज अगर हम ये कहें कि सुशांत सिंह राजपूत की हम पिक्चर नहीं देखेंगे, हमने सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर नहीं देखा, तो आने वाले फिल्मी जगत से कोई भी स्टार हो हम उसकी पिक्चर कैसे देखेंगे। तो ये एक पिक्चर नींव की पत्थर साबित होती हम सभी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत आपने बहुत सारे एक वीडियो में मैंने एक्सपोज भी किया था कि किस तरीके से स्टीव हॉव एक जाने माने पैरानॉर्मल ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने का दावा किया है और इसको मैंने पूरी तरह से एक्सपोज किया है। आप वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो फैसला आपके ऊपर है, आपको सीबीआई जांच करानी है या नहीं करानी है। अगर करानी है तो आपको ये पिक्चर बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए थी और नींव की पत्थर की तरह इसको आड़ करके ये कहना चाहिए था कि हम अपने सुशांत सिंह राजपूत जिसको दिलो जान से चाहते हैं, जिसकी सीबीआई जांच चाहते हैं, हम उसकी पिक्चर नहीं देखे तो हम किसी की भी पिक्चर नहीं देखेंगे। और ये उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होता फिल्मी दुनिया में जितने भी एक्टर है जिन्होंने मॉब लिंचिंग करा था, मानसिक तनाव डाला था इनके ऊपर। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप एक दिखावा करते हैं असलियत में इसको, जहां फिल्मी दुनिया में आपने एक तरीके से नेपोटिज्म कहा और फैंस के अंदर भी इसको नेपोटिज्म कहा जाता है, जहां एक प्रकार कहते हैं कि सुशांत को हम जानते हैं, अच्छी तरह से चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और आप दूसरी तरफ अगर डायरेक्टर की पिक्चर आती है तो आप उसको देखते हैं। अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत की अगर पिक्चर ही देखनी थी तो आप बहुत सारे पिक्चर देख सकते थे, लेकिन यही एक पिक्चर नहीं है। आप इस पिक्चर को बाद में भी देख सकते थे जब सीबीआई जांच हो सकती थी इसके बाद, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपकी इस गलती का कारण केवल आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा और सुशांत सिंह राजपूत जैसे होनहार जो अभिनेता थे उनको भी भुगतना पड़ेगा। सीबीआई जांच बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, चाहे आप सर पटक के मर जाएं कुछ नहीं होगा। कितने लोग भी ट्विटर पर भी इन लोगों ने ट्रेंड कराया कि सीबीआई जांच हो, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर थोड़ा भी गंभीरता नहीं जताई। क्यों जानते हैं क्यों? कारण यही है क्योंकि यह मामला कुछ दिनों बाद फैंस के अंदर से हट जाने वाला है, जो आग है सीबीआई जांच कराने की वो भी खत्म हो जाने वाली है और एक ऐसा समय आएगा जब सीबीआई की मांग कोई भी नहीं करेगा। सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं सीबीआई की मांग कर रहे हैं वो सभी की पिक्चर देखेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे कि दिल बेचारा पिक्चर लोगों ने देखी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।